दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है उसका डेटा ट्वीट कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि दिल्ली में कितना पोल्यूशन रोज है। पिछले एक महीने में हमने देखा कि दिल्ली के जो अपना पोल्यूशन है, दिल्ली में इंडस्ट्री भी है, दिल्ली में व्हीकल भी चलते हैं, ट्रांसपोर्ट का पोल्यूशन भी है, जितना पोल्यूशन है वो सारा पोल्यूशन मिला के दिल्ली का अपना पोल्यूशन सेफ लिमिट में पिछले एक महीने से रोज मैं आपको ये दिखाने के लिए ट्वीट कर रहा था। पूरा साल सेफ लिमिट में रहता है लेकिन इस वक्त पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो मैंने जो ट्वीट करता हूँ रोज, मैंने आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिन से पोल्यूशन बढ़ने लगा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आसपास के राज्यों के अंदर वहाँ की राज्य सरकारों ने अपने किसानों की मदद नहीं की, इसीलिए किसान ना चाहते हुए भी अपनी अपनी पराली जलाने के लिए मजबूर है। पराली जलनी चालू हो गई। नासा की सैटेलाइट की जो इमेजेस आ रही हैं वो इमेजेस ये दिखा रही हैं कि कब पराली जलने का सिलसिला चालू हो गया, उसकी वजह से दिल्ली के अंदर फिर से पोल्यूशन बढ़ने लगा। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है दिल्ली के अंदर, पिछले 7-8 साल के अंदर दिल्ली के अपने 2 करोड़ लोगों के साथ मिलकर दिल्ली के लोगों ने बड़ी मेहनत की है, दिल्ली के लोगों ने बड़ा कॉपरेट किया, दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर हमने दिल्ली में 25% पोल्यूशन कम किया है। हम सब दिल्ली वालों ने मिलकर PM10 भी और PM2.5 भी दोनों 25% से ज़्यादा कम हो गए हैं। लेकिन अभी यहाँ पे बैठना नहीं। अब जब बाहर से पोल्यूशन आने लगा है, पराली का पोल्यूशन आने लगा है, तो हम अपना दिल्ली का पोल्यूशन कोशिश करें कि और कम कर लें, दिल्ली का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि पोल्यूशन कम कर लें ताकि हमारी सेहत ठीक ठाक रहे। पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों के सामने 10-point विंटर एक्शन प्लान रखा था कि दिल्ली सरकार अपने लेवल पे क्या क्या करने जा रही है। तो हम 10 मोटे मोटे कदम उठाने जा रहे हैं जिसका खाका मैंने पिछले हफ्ते आपके सामने रखा था। आज मैं आपके सामने आपका सहयोग मांगने के लिए हाजिर हुआ हूं। हर दिल्ली वासी को भी अपने अपने स्तर का पोल्यूशन कम करना है, अपने अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करना है। हम सब पोल्यूशन फैलाते हैं ना, हम सब कुछ ना कुछ करते हैं जिससे पोल्यूशन फैलता है। अब बाहर वाला पोल्यूशन आ रहा है उससे निपटने के लिए हम अपना पोल्यूशन कम कर लें, उनसे तो हम कहते ही रहते हैं, बगल वाली सरकारों से भी कहते हैं, केंद्र सरकार से भी कहते हैं, जी प्लीज हमने बायोडिकम्पोजर यूज किया आप भी कर लो। अब वो कर नहीं कर रहे, कब करेंगे पता नहीं, लेकिन हमें तो अपनी सेहत की चिंता है। तो हम अपने हिस्से का पोल्यूशन कम कर लें। आज इसके लिए मैं आपसे 3 गुजारिश करने के लिए आया हूं। नंबर 1, पिछले साल हम सब लोगों ने एक कार्यक्रम चलाया था, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, याद है? उसके बड़े शानदार नतीजे आए थे कि रेड लाइट के ऊपर अगर हम, रेड लाइट होती है गाड़ी रोक लेते हैं लेकिन गाड़ी ऑन रखते हैं, इंजन ऑन रखते हैं, उसे पेट्रोल चलता रहता है, डीजल चलता रहता है, तेल जलता रहता है और पोल्यूशन फैलता रहता है। कई बार अगर आप रेड लाइट पे खड़े हो जाओ ना, इतना आंखें जलने लग जाती हैं, इतना पोल्यूशन हो जाता है, इतनी सारी गाड़ियां होती हैं। तो हम लोगों ने, सब ने, दिल्ली के लोगों ने मिलकर कैंपेन चलाया था, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। जैसे ही रेड लाइट हो गाड़ी ऑफ कर दो और जैसे फिर ग्रीन हो गाड़ी ऑन कर लो। इससे आम के आम गुठलियों के दाम, आपका तेल भी बचेगा, प्रदूषण भी कम होगा। तो आज एक तो ये कसम खानी है कि अब रेड लाइट के ऊपर हम जब भी रुकेंगे गाड़ी ऑफ करेंगे। 18 तारीख से ये कैंपेन चालू हो रहा है और आप आज से ही शुरू कर दो। अगर आप मेरा ये सुन रहे हैं तो आज से ही शुरू कर दो। 18 से तो एक फॉर्मल लॉन्च है लेकिन आप आज से ही शुरू कर दो कि जैसे ही रेड लाइट के ऊपर गाड़ी रुके आप इसको ऑफ कर दो, अपनी गाड़ी को ऑफ कर दो। दूसरा, हफ्ते में एक बार क्या हम अपनी गाड़ी या अपने स्कूटर का इस्तेमाल एक बार या एक से अधिक बार रोक सकते हैं? मतलब जैसे हम दफ्तर जाते हैं या हम मार्केट जाते हैं या हम कोई एंटरटेनमेंट किसी भी चीज के लिए घर से निकलते हैं, अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, अपना स्कूटर लेके जाते हैं, एक बार हफ्ते में ऐसा कर लें कि हम अपनी गाड़ी नहीं लेके जाएंगे, या तो मेट्रो से जाएंगे या बस से जाएंगे या किसी के साथ गाड़ी शेयर कर लेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो
बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि खूब पोल्यूशन भी कम होगा और खूब तेल भी बचेगा। तो दूसरी आज हमें अपनी आज कसम खानी है कि हम हफ्ते में कम से कम एक बार, ज्यादा करें तो और अच्छा है, कम से कम एक बार अपनी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे या किसी के साथ कारपूलिंग करेंगे, गाड़ी शेयर करेंगे। और तीसरा, हमने ग्रीन दिल्ली ऐप बनाया था, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसे जरूर डाउनलोड कर लीजिए और जिम्मेदारी लीजिए कि कहीं भी दिल्ली के अंदर आप पोल्यूशन देखते हैं, आप देखते हैं कोई ट्रक जा रहा है उसका बड़ा पोल्यूशन हो रहा है, आप देखते हैं कोई इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री से बड़ा पोल्यूशन हो रहा है, आप देखते हैं कि कहीं पे कूड़ा जला रहे हैं उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, आप उसकी शिकायत उस ग्रीन दिल्ली ऐप में कीजिए, हमारी टीम तुरंत पहुंच के उस पोल्यूशन करने वाली चीज को रोकेगी, उसको पोल्यूशन करने से रोकेगी। 23,000 से ज्यादा शिकायतें आई अभी तक, जिनको सबको निपटारा कर दिया गया। तो ये तीन चीजें हैं, नंबर एक हम रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, और एक पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, उनका आंकड़ा है कि अगर हम रेड लाइट पे अपनी गाड़ी ऑफ करना चालू कर दे तो साल में 250 करोड़ रुपए बचा सकते हैं और खूब लगभग 13-20% पोल्यूशन कम हो सकता है। तो पहली चीज रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, दूसरी चीज कि हम एक हफ्ते में एक कम से कम ट्रिप जो है वो कम करेंगे अपनी गाड़ी से या स्कूटर से, और नंबर तीन ग्रीन दिल्ली ऐप के जरिए हम सरकार को, कहीं भी कोई होगा तो हम सरकार की आंख और कान बनेंगे और सरकार को उसकी शिकायत करेंगे ताकि सरकार उस पर कदम उठा सके। पिछले कई सालों में हमने मेहनत करके पोल्यूशन को कम किया है और भी पोल्यूशन कम करेंगे। नमस्कार। हर खबर पर होगी आपकी पकड़, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।